सभी का एक बार फिर से सिटी वैप पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर अहमदबाग में हुई लूट। थाना सदर बाजार के अहमदबाग निवासी पृथ्वी पाल सिंह के घर में आज दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें वे बंदूक के बल पर घर में घुस गए और घर के लोगों को गन पॉइंट पर लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें घर में रखे हुए कैश और गहने व अन्य सामान लेकर फरार हो गए। नकाबपोशों ने घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया, घर के नौकर ने जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। सर, यहाँ से हम अंदर थे, भैया ने कहा था धोबी आएगा उन्हें कपड़े दे देना। हम बाहर गए तो तीन बदमाश आए अंदर, उनके पास कट्टा था, उन्होंने बंदूक दिखाई तो सिद्धा अंदर ले गए। बोला उन्होंने अंदर चलो, फिर अंदर इधर उधर देखने लग गए, फिर अंकल जी का रूम भी खुला था। फिर उन्होंने डराने लगे अंकल जी को भी, कह रहे थे कि हम तुम्हें गोली मार देंगे, अपनी जान प्यारी है। तो फिर ऐसे अंकल भी डर गए, कह रहे कि तुम उसमें पैसे देते हो ब्याज में, ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने उम्र को भी मारा एक जान। फिर क्या करा उन्होंने? सर फिर अंकल मोबाइल जमा कर दिया, हमारे अंकल का भी, मेरा मोबाइल तो किचन में रह गया। फिर एक मोबाइल तोड़ दिया अंकल का। इस दौरान फोरेंसिक टीम भी पहुंची और बारीकी से जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद घटना को लेकर जानकारी देते हुए एसपी सिटी राजेश कुमार शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। ये थाना सदर बाजार के अहमद बाग मोहल्ले में एक सरदार पृथ्वी पाल सिंह है, उनके घर में एक हाउस रॉबरी घटना हुई है। करीब 3:30-4 बजे की बात है। कुछ बदमाशों ने इसमें घंटी बजाई। सर्वेंट ने जब दरवाज़ा खोला तो दो बदमाश अंदर आए, कहे कि हम CBI के हैं। इसके बाद उनको गन पॉइंट पर लेकर उनके जो भी कैश थे ऑफिस में करीब 1 लाख के लगभग बता रहे हैं, फिर अलमारी में भी कुछ ज्वेलरी और कुछ और पैसा होने की बात बता रहे हैं, कुछ फाइल वगैरह सब लेके चले गए हैं। और इसमें जो सीसी फुटेज वगैरह है उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस घटना खुलासा होगा। बदमाश के बारे में दो बता रहे हैं, दो बदमाश थे और बहाना बना के आए हैं, CBI का कह के आए हैं। और आते ही उनको उनसे कहा कि जो भी तुम्हारे पास कहाँ सब पैसा रखे हो पैसा दिखाओ। उसके बाद उनको उनके ऑफिस में ले गए हैं और वहाँ पे जो भी उनके पास पैसा उस समय था डार में बता रहे करीब 1 लाख के लमसम वो दे दिया था। बाकी अलमारी में से भी सामान ले गए हैं, उसको देख के बता पाएंगे। और जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पहुँची और शीघ्रता से इस पर कार्रवाई हो रही है, बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण होगा। बड़ा हादसा होने से टला। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर शटिंग के दौरान देहरादून सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म से टकराया, प्लेटफॉर्म हुआ क्षतिग्रस्त। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर आज उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब देहरादून सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन का इंजन शटिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर टकरा गया। बता दें कि रोजाने की तरह आज भी देहरादून सहारनपुर पैसेंजर दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास सहारनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, जिसके बाद उसे 50 मिनट बाद दोबारा देहरादून के लिए रवाना होना था। इसी बीच शटिंग के दौरान ड्राइवर का ध्यान चूकने से ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर टकराया, जिससे प्लेटफॉर्म काफी क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और जान माल का किसी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सौर ऊर्जा से किसानों को मिलेगी सिंचाई को मुफ्त बिजली। बिजली संकट को दूर करने के लिए एक और जहां सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके लिए सहारनपुर में 16, मेरठ में 32, मुजफ्फरनगर में 10 और शामली के 12 फीडरों को सोलर पावर प्लांट से जोड़ा जाएगा। सोलर पावर प्लांट के लिए फीडर के पास ही 25 साल के लिए किसानों की जमीन को लीज पर लिया गया है और बता दें कि प्लांट के लिए सोलर पावर डेवलपर की ओर से जमीनों का चिन्हीकरण भी किया गया है। बेहट में छात्रा के आत्महत्या मामले में 4 युवक गिरफ्तार। बीते दिनों अश्लील फोटो किया गया था वायरल। SSP ने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी को किया निलंबित। बेहट कस्बे में BA की छात्रा का अश्लील फोटो वायरल होने पर आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही करने पर SSP आकाश तोमर ने एक पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड कर दिया। बता दें कि कस्बे के एक मोहल्ले में BA की छात्रा का अश्लील फोटो पड़ोस के ही युवकों ने
सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसकी जानकारी मिलते ही छात्रा अपनी माँ के साथ कोतवाली पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। वहीं जानकारी देते हुए एसपी देहात अतुल शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। ये थाना बेहट क्षेत्र की 2 दिन पहले की घटना है। एक लड़की द्वारा इसमें रात में सुसाइड कर लिया गया था। कल उसके अभिभावक पिता जो हैं वो थाने पर आए, उन्होंने एक सुसाइड नोट दिखाया जिसमें कि उस लड़की ने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि 2 लड़के जो वहीं के उसी के मोहल्ले के रहने वाले हैं, कस्बा बेहट के, वो उसके बगल के पड़ोसी हैं, उन्होंने उसकी एक फ़ोटो जो है वो स्टेटस पर डाल दी थी। फ़ोटो को जब लिया गया तो ये आपत्तिजनक फ़ोटो नहीं है, पर इसमें ये दोनों लड़के जो हैं जो बताए गए हैं वो उस लड़की और एक और इसमें लड़की है जिनके साथ में ये खड़े हैं। और इस स्टेटस को देखने के बाद वो लड़की जो है इनके द्वारा बताया गया कि बहुत आहत महसूस कर रही थी, उसको इस वजह से उसने रात में सुसाइड कर लिया। इसमें हम लोगों ने अब इसमें अभियोग पंजीकृत करके 2 लड़के पकड़ लिए हैं जिन दोनों के नाम इसमें लिखवाया गया था। और इन दोनों लड़कों द्वारा पूछताछ में ये पता चला और जांच पड़ताल में ये पता चला कि इसमें 2 लड़के और हैं, प्रदीप और धीरज, जिनके द्वारा ये फोटो इनसे लेकर इस स्टेटस पे डालकर इसको स्टेटस पे डाला गया, जिसकी वजह से वो लड़की परेशान थी। नकुड़ में गोकशी करते हुए 4 युवक हुए गिरफ्तार। नकुड़ में गंगो पुलिस ने रविवार को 4 युवकों को गोकशी में गिरफ्तार किया। मौके से काफी मात्रा में गोमांस, कटान में काम आने वाले उपकरण व अवैध हथियार भी बरामद किए गए। कोतवाली प्रभारी परविंदर पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही थी और पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग बेगी नाजर के जंगल में गोकशी कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने कथित स्थान की घेराबंदी कर दी और मौके से लगभग 350 किलोग्राम गोमांस और मांस काटने के काम आने वाले उपकरण, एक तमंचा और 2 पोनिया व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने गोमांस को गड्ढा खोदकर दफना दिया, जबकि आरोपियों को जेल भेज दिया है। आरोपी हरियाणा के गांव लापरा यमुनानगर निवासी मुबारक बेगी नाजर निवासी इस्तकार मोमीन व आलिम बताए गए हैं। 2 साल बाद लौटी रमजान माह की रौनक। रमजान का महीना इतवार से शुरू हो चुका है। बता दें कि 2 साल से कोरोना काल के चलते रमजान माह की रौनक गायब थी। हालांकि लोग रोजा जरूर रखते थे, लेकिन इस बार कुछ सामान्य है तो रमजान की रौनक दिखाई देनी शुरू हो गई है। इफ्तार व सहरी के सामान से बाजार सज चुके हैं। मुस्लिम समाज के लोग मजहबी अकीदत के साथ इबादत में जुट गए। रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार में इस्तेमाल होने वाले खाने पीने की चीज़ों में बढ़ोतरी हुई, जिससे और रोजदारों की जेबों पर महंगाई का असर पड़ेगा। दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में युवा गुज्जर महासभा व गुज्जर कल्याण सभा के तत्वाधान में गुज्जर शिरोमणि कर्नल किरोड़ी सिंह भोसला जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह युवा गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव लोकेश गुज्जर ने कहा कि आज हम उस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष से गुज्जर समाज को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई। 2006 में उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण ही आज राजस्थान की लड़ाकू कौम पढ़ाकू बन गई है, क्योंकि अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो आरक्षण मिलने का भी कोई लाभ नहीं होगा। उनकी अंतिम यात्रा में 3 से 4 लाख लोगों का आना ये दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता राजस्थान में कितनी है। देखिए, आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी जो हमारे समाज के सर्वमान्य बहुत बड़े नेता हुए, उनके निधन पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है और उसी के फलस्वरूप हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी 84 वर्ष के थे और 2 तारीख को कल उनकी तीय की बैठक रखी गई थी। अभी उनके जो अस्थियाँ हैं वो भी हरिद्वार आएंगी, उसमें भी हम सब लोग वहाँ पर सब जाएंगे और निश्चित रूप से ये पूरा समाज आज उनका ऋणी है। उन्होंने जिस तरह से संघर्ष करके हमारे इतने बड़े बैकवर्ड समाज को MBC का आरक्षण दिलवाने का काम किया, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी जो है उसका आरक्षण दिलवाने का काम उन्होंने किया है, जिसमें हमारे 72 लोग शहीद भी हुए थे और आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के नेतृत्व में चला है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका परिवार ऊँचाइयों पर है। उनका एक बेटा मेजर जनरल है सेना में, जनरल बन सकते हैं। बेटी उनकी इनकम टैक्स की बहुत बड़ी अधिकारी है, इंडिया लेवल के अधिकारी हैं, IRS हैं, और दूसरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी छोड़कर आज समाज सेवा कर रहा है राजस्थान के अंदर, विजय बैंसला जी। 5
सेकंड में जेब तराशने वाला जेब कतरा हुआ गिरफ्तार। 19 दिन पूर्व नगर के परचून दुकानदार के बैग से 72,000 रुपए की नकदी उड़ाने वाले वांछी चले शातिर जेब कतरे सरफराज उर्फ शरूर पुत्र कंवर निवासी को चोरी किए गए 72,000 रुपए में से 3800 रुपए की नकदी व एसबीआई बैंक की पासबुक सहित गिरफ्तार किया गया। बता दें कि जबकि एक जेब कतरा अभी भी फरार बताया जा रहा, वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी जेब कतरे की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। थाना मंडी पुलिस बल व बीएसएफ फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। रमजान व नवरात्रा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना मंडी एसएचओ अवनीश गौतम पुलिस बल व बीएसएफ फोर्स के साथ थाना मंडी क्षेत्र में आज फ्लैग मार्च किया गया। वहीं इसी दौरान सभी को त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की गई। सहारनपुर रोटरी क्लब सहारनपुर कॉन्टिनेंटल द्वारा आज रोटरी क्लब में एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब द्वारा अध्यक्ष तपेश मुंगुगई के नेतृत्व में विकृत चेहरे कटे होंठ तालू आदि से ग्रसित बच्चों का चेकअप किया गया। इसके पश्चात उनको इलाज के लिए हिमालयन हॉस्पिटल जोली ग्रांट के लिए लगभग 16 बच्चों को चिन्हित किया गया, जिनका ऑपरेशन से लेकर आने जाने और रहने का सभी खर्चा रोटरी क्लब वहन करेगा और इनका इलाज किया जाएगा, जिससे कि ये मुख्य धारा से जुड़ चुके और इनको एक नई जिंदगी मिल सके। वहीं देखिए इस दौरान क्या कहा। मेरा शुभ नाम राजीव मदान, प्रदेश अध्यक्ष आईटी मंच। हर संगठन में आईटी आज अग्रिम भूमिका में भाग काम कर रहा है, उसी संदर्भ में आज आईटी सेल द्वारा हम अपनी इकाइयां विभिन्न शहरों में इसको प्रथम चरण में हम अपनी सभी क्षेत्रों में इकाइयां गठन करेंगे और उसी संदर्भ में आज हमारे द्वारा इसके लिए कार्य करने का आरंभ किया गया है और मैं पिछले 8 वर्षों से संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूं, विभिन्न पदों पे रहा, उपाध्यक्ष, फिर प्रदेश महामंत्री के रूप में और आज अध्यक्ष का दायित्व जो मुझे दिया गया है। सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वैब को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।